ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर तीसरा, हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हरिदास ठाकुर ने पहले हरिनाम के विषय में बताया कि कितना महत्वपूर्ण है, और नामाभास करने से भी कैसे हमें भगवान का प्रेम मिल सकता है, बट इट विल टेक टाइम। फिर उन्होंने हरिनाम की महिमा को ही और ज़्यादा स्थापित करने के लिए कैसे दिखाया कि बड़े बड़े समाज में ऐसे संत तपस्वी हुए हैं जो किसी अपोजिट सेक्स के कारण फंस गए, उनकी तपस्या भंग हो गई, लेकिन यहाँ एकमात्र एग्जाम्पल ऐसा मिलता है जहाँ पर नाम के बल पर हरिदास ठाकुर ने इसको भी जीत लिया, बड़ी आसानी से जीत लिया। जीता ही नहीं, उस व्यक्ति को ही कन्वर्ट कर दिया। तो नाम के बल को हम इससे समझ सकते हैं, नाम के अंदर कितना बल है, केवल सुन सुन के। ओके, प्रयास संख्या 141 हम करते हैं। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हैला प्रेमेरा प्रकाश। वह अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। और हमने सुना कि किस तरह से उसने नियमित भोजन ना खाकर भिक्षा में जो भी उसको मिलता था उसको खाने लगी। हमने सुना कि किस प्रकार से कम खाने से इंद्रियों को कंट्रोल करके हमें कृष्ण प्रेम के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी कि केवल जीवन खाने के लिए नहीं है, जीवन का प्रयोग पर्पस कुछ और है। हमने देखा कैसे कीड़े मकोड़े कोई भी जंतु निरंतर खाना ढूंढता रहता है, अगर मनुष्य भी ऐसे ही कर रहा है तो वो जानवर है। प्रसिद्ध वैष्णवी हैला परम महंति बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शने तयान्ति। इस तरह में वैश्य विख्यात भक्तिन बन गई, वह आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई और अनेक बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन के लिए आने लगे। तो ऐसा लगता है हमें कई बार कि जब हमें ज्ञान हो जाता है जबरदस्त, हमें सारे शास्त्रों के श्लोक याद होते हैं, हम कोट कर सकते हैं जगह जगह से, तो हम बड़े वैष्णव बन जाते हैं। लेकिन वैष्णव वाक्य वास्तव में हृदय से बनता है, क्योंकि वैष्णव का मतलब है जिसे भगवान से प्रेम है, उसके हृदय में भगवान हैं। अगर ये नहीं है तो बाकी शास्त्रों का ज्ञान बेकार है, अगर हम भक्ति योग में नहीं आते हैं तो। और कई बार ऐसा देखा गया कि भक्ति योग में हम आ गए लेकिन हमें बाकी चीज़ों का ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, है कर वही रहे जो गुरु परंपरा का आदेश है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो भी हम उन्नत बन सकते हैं। जैसे कि ये लेडी है, इसने अभी बहुत प्रवचन नहीं सुने कहीं पर, ना ही कोई बहुत ज़्यादा पठन किया है कहीं पर, केवल 300,000 नामों का जप किया है रोज़, और वो कह रहे हैं इतनी महान भक्त बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन करने आने लगे। बड़े बड़े वैष्णव प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त वैश्याओं को मिलने में रुचि नहीं रखते, किंतु जब कोई वैश्या ये अन्य पतितात्मा वैष्णव बन जाता है तो बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन में रुचि रखते हैं। इसलिए हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि ये व्यक्ति पहले क्या था, पहले का जीवन इसका कैसा था। अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले का जीवन तो हमारा भी कभी ना कभी ऐसा था। माना आप कहेंगे कि इस जीवन में हमने कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन पिछले जीवनों के बारे में कौन जानता है कि हमने क्या क्या किया होगा। अगर कुछ अच्छा किया होता तो बहुत भक्ति करी होती तो भगवान के धाम में चले गए होते। इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले कोई व्यक्ति क्या था, अब वो क्या कर रहा है, कितनी शुद्धता से भक्ति कर रहा है, ये हमें देखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जन्म नहीं देखना चाहिए, कि जन्म उसका कौन सी जाति में हुआ, कौन से देश में हुआ, उस पर धन कितना है इत्यादि। तो बड़े बड़े लोग भी कौन आएगा, ऐसे संत महापुरुष वैश्या के पास भी नहीं फटकेंगे कभी, क्योंकि उसके तो आसपास फटकने से भी चेतना में शुद्ध दूषण आएगा। लेकिन अब ये सारे लोग उसको मिलने के लिए आ रहे हैं। यदि वैष्णव सिद्धांत का पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। जो भक्त इन सिद्धांतों का पालन करता है वह भौतिक स्तर पर नहीं रहता। इसलिए किसी के जन्म स्थान का नहीं अपितु सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने पर विचार करना चाहिए। अनेक भक्त यूरोप तथा अमेरिका से आकर हमारे कृष्ण महामृत आंदोलन में सम्मिलित हो गए, और ये लोग जब इंडिया में आए तो इंडिया के हमारे ब्राह्मणों ने इनको स्वीकार नहीं किया। ये देखिए क्या कितनी गंदी बात है, देखिए जी
क्या क्या कर दिया, इन्होंने कैसे लोगों को इन्होंने ब्राह्मण बना दिया, कैसे लोगों को मंदिर में घुसा रहे हैं, हाँ मलेच्छों को नहाते नहीं है, अब उन्हें क्या पता भक्त बनने के बाद वो कितनी बार आप नहीं नहाते उतनी बार नहा रहा है, हाँ आप पान गुटखा चबाए हैं वो नहीं चबा रहे हैं, आप चुपके से, हमने तो कितने ऐसे ब्राह्मण देख लिए जो कि मांस खाते हैं, कहते हैं कि क्या करें जी इस ठंड के एरिया में मांस नहीं खाएंगे शराब नहीं पियेंगे तो कैसे रहेंगे, हाँ वो लोग भी उसी एरिया से आ रहे हैं उसी एरिया में रह रहे हैं अभी भी, हाँ ऐसे हमारे कितने भक्त हैं जो -20, 30, 40 वाले एरियाज में यूरोप और बाकी कंट्रीज में रह रहे हैं लेकिन वही नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं। तो अनेक भक्त कह रहे हैं इस तरह से इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं किंतु उन्हें यूरोपियन वैष्णव या अमेरिकी वैष्णव नहीं मानना चाहिए, वैष्णव तो वैष्णव है इसलिए उसे वैष्णव को प्राप्त होने वाला समस्त सम्मान दिया जाना चाहिए। वैशार चरित्र देखी लोके चमत्कार हरिदास एरम महिमा कहे करी नमस्कार। वैशा का उन्नत चरित्र देखकर सारे लोग चकित थे, सारे लोगों ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव को गुणगान किया और नमस्कार किया। हरिदास ठाकुर जैसे भगवान अपने भक्तों को प्रसिद्ध कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बड़ी ज़रूरी है क्योंकि उनकी प्रसिद्धि से लोग उनसे प्रभावित होते हैं और भक्ति फैलती चली जाती है। हरिदास ठाकुर ऐसा चाहते नहीं थे, उनका पर्पज़ तो केवल भक्त बनाना था लेकिन वैश्या को जब भक्त बना दिया तो लोग चकित ही रह गए, ये लेडी जो ऐसी थी अब ऐसी हो गई, तो उनका जो नाम यश बहुत ज़्यादा फैल गया, चारों तरफ फैल गया, हर कोई हरिदास का गुणगान करने लगा। और जिसने इस बात की पता चला होगा कि कैसे हरिदास ने किया, लोगों का नाम के प्रति कितना श्रद्धा बढ़ी होगी, जैसे हमारी भी बढ़नी चाहिए, तो सब लोग उनका गुणगान करने लगे, नमस्कार करने लगे। कहा गया है कि फलेन परिचीयते, मनुष्य अपने कर्मों के फल से पहचाना जाता है। वैष्णव समाज में कई वैष्णव होते हैं, कई प्रकार के हैं, उनमें से कुछ गोस्वामी हैं, कुछ स्वामी हैं, प्रभु हैं, प्रभुपाद, कुछ प्रभुपाद हैं, किंतु कोई भी मात्र ऐसे नाम से नहीं पहचाना जाता। जब कोई गुरु अपने शिष्यों के चरित्र को बदल देता है तो उसे सच्चा गुरु माना जाता है। यस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको दीक्षा दे दी, आपने उसको शिक्षा दे दी सो गॉड, लेकिन उसके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसने कोई उसके कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था किसी दूसरी संप्रदाय से जो कि आया और कह रहा है मैं दीक्षित हूँ, हमने कहा कितना नाम में दीक्षा मिलती है, कह रहे नाम नहीं जपता हूँ मैं, मुझे नाम जपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई भक्तिमय कार्य नहीं कर रहा था वो, जस्ट ऐसे समाज में प्रचलन है कि कोई आए ऐसे सो कॉल्ड गुरु उसको दीक्षा दे देते हैं, उसके ना तो उसके उसको कुछ करना है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन दीक्षा हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारतवर्ष में, तो कहते हैं हमारे पास आते हैं कहते हैं प्रभु जी हम कैसे दीक्षा लें, यहाँ पर हम तो ऑलरेडी दीक्षित हैं। अब उनसे पूछा जाता है करते क्या हो जी, ये तो कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ प्रोसेस करते हैं अगर करते हैं तो ये प्रमाणिक परंपराओं से ही दीक्षा वैलिड मानी जाती है। आप बोलो कि मैं कहीं झुमरी तलैया से पास हूँ, आप उसकी डिग्री को लेके आ जाओ तो क्या मान्य रहेगी वो डिग्री कहीं पर, तो आप कहो कहीं पर कॉलेज में एडमिशन दिला दो जी ये है डिग्री, अरे ये तो तुम्हारा तो कॉलेज ही ऑथोराइज नहीं है, कहाँ से तुम्हें दिलाए तुम एडमिशन, तो कैसे हमें वैकुंठ में एडमिशन मिले, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम लोग सिर्फ ये बोल के कि हम दीक्षित हैं। आपको मालूम है क्या उनकी डिग्री जो है, वो दीक्षित होने की जो डिग्री है क्या वो वैलिड है, वैकुंठ में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए प्रमाणिक जो परंपराएं हैं इन्हीं पद्म पुराण के अनुसार जैसे हमने सुना, ये इन्हीं से दीक्षा हमें लेनी चाहिए। और दीक्षा लेने का मतलब क्या है, दीक्षा भी और शिक्षा भी जब लें तो उसको अपने जीवन में उतारें। ना तो दीक्षा इसलिए दी जाती है ना शिक्षा इसलिए दी जाती है कि अब आओ अपना थोड़ा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट करो और चले जाओ। यदि आप उसको उन प्रवचनों को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे उतारने का, तो भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि गुरु वही श्रेष्ठ है जो शिष्यों का चरित्र को बदल दे। हरिदास ठाकुर ने सचमुच ही पेशेवर वैश्या के चरित्र को बदल दिया, लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा करी और इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। रामचंद्र खान अपराध बीज कैला से ही बीज वृक्ष हैया आगे थे फलीला। हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए वैश्या को प्रेरित करके रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध के बीज को उगने दिया। बाद में यही बीज एक वृक्ष बन गया और जब फला तो रामचंद्र ने इसके फल खाए, है ना। वैष्णव अपराध किया उस व्यक्ति ने, हम पहला अपराध सुनते हैं कि अब जीवन को समर्पित करने वाले वैष्णवों की निंदा करना,
हाँ ये तो अपराध है, ये पाप भी नहीं है। कहते हैं कि पाप का निवारण किया जा सकता है हाँ कुछ व्रत अनुष्ठान गंगा स्नान इत्यादि से, लेकिन अपराध का नहीं किया जा सकता। इसलिए वैष्णव निंदा इस व्यक्ति ने करी थी, इसलिए हम सोचे हम भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा खतरा है क्योंकि हम वैष्णवों के बीच में रहते हैं और अक्सर हमारे मुँह से ऐसी बातें निकलती रहती हैं जो कि निंदा है। तो इसलिए ध्यान रखें, यहाँ पर रामचंद्र खान के बारे में बताया जा रहा है कि जो उसने अपराध का बीज बोया था वो हमारे जीवन में उसका फल कभी ना कभी आता है, हमें खाना पड़ता है। महद परा धेर फल अद्भुत कथन प्रस्ताव पाया कही सुन भक्तगण। उच्च भक्त के चरणों पर इस अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इन घटनाओं से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं सब बताऊंगा जो घटित हुआ। हे भक्तों इसको सुनो। सहजेई अवैष्णव रामचंद्र खान हरिदास एर अपराधे हैला असुर समान। रामचंद्र खान स्वभावतः अभक्त था, जेलसी थी उसके अंदर, ईर्ष्या थी कि हरिदास ठाकुर का इतना कैसे नाम हो रहा है। अब नाम उसका कई गुना और बढ़ गया। इसको अपराध लगा, फायदा कुछ नहीं हुआ, इसको पाप लगा और उनका नाम बढ़ गया। अब हरिदास ठाकुर के चरणों पर अपराध करके वह पूरी आसुरी नास्तिक जैसा, पूरा आसुरी नास्तिक जैसा बन गया। तो यही होता है जब हम अपराध करते हैं तो उसका लक्षण ये है कि भक्ति से हमारा मन हटने लगता है, और भक्ति से हटने से पहले हमारा भक्तों से मन हटने लगता है। आप देखेंगे अपराध करने का पहला लक्षण यही है। हम कहते हैं असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। जो भक्ति में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है वो धीरे धीरे मैटीरियल एसोसिएशंस को अपने आप उसका मन हट जाएगा मैटीरियल एसोसिएशन से, और उसका अधिकतर मन रहेगा कि मैं स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहूं। लेकिन जब हम अपराध करते हैं तो आप देखेंगे हमें फिर से स्पिरिचुअल एसोसिएशन से कुछ ना कुछ परहेज होने लगेगा, चिड़ मचने लगेगी, कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा, हमें अकेला रहना पसंद आएगा। तो शुरू में हम अकेला रहेंगे, एकाकी भक्ति करेंगे, और उसके बाद धीरे 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 हमारा मैटीरियल लोगों के साथ एसोसिएशन बढ़ता जाएगा। जिन संबंधियों को हम छोड़ चुके थे वो संबंधी धीरे धीरे फिर से अच्छे लगने लगेंगे। हाँ जी, खून तो खून ही है जी अल्टीमेटली। हाँ फिर से ये लक्षण बता रहे हैं, ऐसा होता है। इसलिए हमारे अंदर अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो बी केयरफुल, यानी कि अपराध का फल फलित हो रहा है। तो ये अभक्त था, पूरा नास्तिक बन गया। वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान बहु दिनेर अपराधे पाइल परिणाम। वैष्णव धर्म की निंदा करने तथा दीर्घ काल तक भक्तों का अपमान करने के कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिला। रामचंद्र खान विष्णु तथा वैष्णव के चरणों का बड़ा अपराधी था। जिस तरह ब्राह्मण पिता विश्वश्रवा से उत्पन्न होने पर भी रावण को असुर या राक्षस इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भगवान रामचंद्र तथा हनुमान के प्रति अपराध किए, उसी तरह रामचंद्र खान भी ऐसा असुर बना क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर और अन्यों के प्रति अपराध। नित्यानंद गोसाई गौड़े यबे आईला प्रेम प्रचारिते तबे भ्रमिते लगीला। जब नित्यानंद प्रभु भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने बंगाल में लौटे तो वे सारे देश में भ्रमण करने लगे। प्रेम प्रचारण आर पाषंड दलन दुई कार्य अवधूत कार्य न भ्रमण। भगवान के सर्वाधिक समर्पित भक्त नित्यानंद प्रभु दो कार्यों से, कौन से दो कार्य हैं? भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना और नास्तिकों को परास्त और दमन करने के उद्देश्य से देश भर में भ्रमण करने लगे। और नास्तिकों का दमन इन्होंने तलवार से नहीं किया, इन्होंने उनकी चेतना का, गंदी चेतना का दमन कर दिया। और जब दमन किया तो अंदर से बहुत सुंदर चेतना निकल के आई। ऐसे एग्जांपल हम सुनते हैं बहुत सारे। तो भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान जब आते हैं तो क्या कारणों से आते हैं? परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों का उद्धार करने के लिए जो बस वेट कर रहे हैं भगवान की, और अभक्तों का विनाश करने के लिए। उनके भक्तों के भी उसी तरह से दो कार्य हैं, भक्तों के भी यही दो कार्य, क्या? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना और सभी प्रकार के नास्तिक असुरों को परास्त करना। जब हम प्रचार करते हैं तो जो नास्तिक जो लोग हैं धीरे 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 उनकी आवाज़ बंद होने लगती है। आप देखिए जब हमारे गुरु परंपरा के बारे में हम सुनते हैं, जब ये षड गोस्वामी और उसके बाद में खासतौर पर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत गौर किशोरदास बाबा जी, ये लोग जब आए थे तब लोग, ये लोग बड़े एक्टिव थे, ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग वैष्णव से चिढ़ते थे और बड़े नारेबाजी करते थे, आंदोलन करते थे, हाय हाय करते थे हम वैष्णवों को देखकर।
खास तौर पे बाहर के यूरोपियन वैष्णवों को देखकर प्रभुपाद से जलते थे, चिढ़ते थे, ईर्ष्या थी। लेकिन अब देखिए धीरे 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 इन सब का क्या हो गया, इन नास्तिकों का दमन हो गया। अब कौन आवाज़ उठाता है, कोई नहीं। अब इतना बड़ा विस्तार कर दिया है भक्ति संप्रदाय का प्रभुपाद के शिष्यों ने, प्रभुपाद ने, कि कहाँ पे कोई बोलेगा। अब तो सब जहाँ जाओ तुरंत प्रशंसा मिलती है अधिकतर कि हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत करी इसके लिए। तो ये दमन हो गया। ये प्रचार जब होता है तो दूसरे का दमन अपने आप हो जाता है, असुरों का दमन अपने आप ही होने लगता है। संख्या का भी प्रभाव पड़ता है, जब इतनी संख्या में लोग भक्ति करते हुए देखते हैं तो लोगों को बोलने में भी डर लगता है कि एक हो जाएंगे मारेंगे पकड़ के, इसलिए उनका अपने आप दमन होने लगता है। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का इस तरह पालन कर रहे थे, जो लोग नित्यानंद प्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करते हैं वो वैसा ही कार्य करते हैं। कौन सा कार्य, भक्ति का संप्रदाय का प्रचार, नास्तिक असुरों को परास्त करना। हाँ, अपने प्रचार कार्य से, अपने तर्कों से, अपने प्रेम से। तो भक्तों की दो श्रेणियां हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। जो प्रचार नहीं करता लेकिन भक्ति में लगा रहता है वो भजनानंदी है, जबकि जो भक्ति में कुशल होने के साथ भक्ति संप्रदाय का प्रचार भी करता है वह गोष्ठानंदी कहलाता है। और हमारी संप्रदाय विशेषता गोष्ठानंदी है, यानी कि हमें भक्ति केवल अपने लिए नहीं करनी है, हमें इसका प्रचार अवश्य ही करना है। बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान को ये गिफ्ट सबसे अधिक पसंद है, जब कोई जीवात्मा को भगवान को उपहार में दिया जाए, ले जी भगवान ये जीवात्मा मैंने आपके चरणों में और डाली, ये और डाली, ये और डाली, ये और डाली, तो ये गिफ्ट सबसे बढ़िया गिफ्ट है भगवान के लिए। सर्वज्ञ नित्यानंद आइला तार घरे आसी अवसीला दुर्गा मंडप ऊपर। भगवान नित्यानंद जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सर्वज्ञ हैं, रामचंद्र खान के घर पे आए। पता था उन्हें कि ये असुर बन चुका है और दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए। अब दुर्गा मंडप में तो देवी बैठाते हैं लोग, नित्यानंद प्रभु जाके उस मंडप में, मंडप समझ गए ना आप, जैसे ऑल्टर है हमारा, उस ऑल्टर में जाके उस सीट के ऊपर जाके बैठ गए। कोई आपके ऑल्टर में बैठ जाए तो जाके, तो ऐसा हो गया। नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, हम जानते हैं। तो रामचंद्र खान के घर पे आए, दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए। अब दुर्गा जी ने तो तुरंत अपनी सीट को साफ किया होगा, अरे धन भाग हमारे प्रभु आप पधारे। दुर्गा जी ने खूब सफाई उफाई करके साइड में बैठ गई होंगी चरणों में। धनी हिंदू भद्रजन अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा के लिए दुर्गा मंडप बनवाते हैं और प्रतिवर्ष सितंबर से अक्टूबर तक बहुत बड़ी पूजा आज भी होती है। आप जाएंगे अगर कलकत्ता साइड में, बंगाल साइड में, बड़े बड़े देवी के मंडप होते हैं, बड़ी 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 मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। हाँ, तो ऐसा एक मंडप लगा था, वहाँ जाके बैठ गए। रामचंद्र खान के घर में भी ऐसा ही मंडप था। अनेक लोक जने संगे अंगन भरीला, भीतर हईते रामचंद्र सेवक पठाइला। जब दुर्गा मंडप तथा आंगन लोगों की भीड़ से भर गया तो रामचंद्र खान ने घर के भीतर से अपने नौकर को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा। अब लोग आ गए सारे, अब अंदर वो कह गए, अरे ये क्या है? दुर्गा जी कहाँ गई, ये नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। उन दिनों और आज भी सम्मानित व्यक्तियों के महल समान मकान विशेषता बंगाल के गाँव में दो भागों में बटे होते थे, भीतरी और भाग। और भीतरी भाग होता था परिवार के लिए जहाँ स्त्रियाँ रहती थी, यह भाग भीतर बाड़ी कहलाता था, और एक है बाहर बाड़ी, सम्मानित व्यक्ति आगंतुकों का सत्कार करने के लिए। तो बाहर के लोग आएंगे तो स्त्रियाँ एकदम से उनके सामने ना जाएं, तो इसलिए एक अंदर की जगह है और एक बाहर है, ड्राइंग रूम जैसे आपका। दुर्गा मंडप बाहर बाड़ी का ही अंग है। इस तरह जब नित्यानंद प्रभु बाहर बाड़ी में प्रविष्ट हुए तो रामचंद्र खान अपने पारिवारिक जनों के साथ भीतर बाड़ी में था। जब नित्यानंद प्रभु आए तो रामचंद्र खान ने स्वयं उनका स्वागत नहीं किया, अभी तो एक नौकर को अप्रत्यक्ष रूप से सूचित करने के लिए भेजा कि वे चले जाएं। हाँ, घबरा तो रही था लेकिन क्या करे, समझ नहीं आ रहा था। नौकर को भेजा कि इनको ले जाओ जरा, क्यों बैठे हुए यहाँ पर। सेवक बले गोसाई मोरे पठाई लख खान, गृहस्थेरा घरे तो माए दीबावास स्थान। उस नौकर ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, हे महाशय, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है कि मैं आपको किसी सामान्य व्यक्ति के घर में रहने का स्थान दे दूँ, तो आप चलिए, मैं कहीं और आपका रहने का स्थान बनाता हूँ, ये मंडप में बैठ गए आप। गोयालार गोशाला है अत्यंत विस्तार, यहाँ संकीर्ण स्थल तो मार मनुष्य अपार।
आप किसी ग्वाले के घर में जा सकते हैं, क्योंकि गौशाला में बहुत जगह होती है, जबकि यहाँ दुर्गा मंडप में स्थान अपर्याप्त है, छोटी जगह है, आप थोड़ा बीच के बैठे हैं, आप अच्छे से किसी गौशाला में जाइए, वहाँ बैठिए, क्योंकि आपके स्थात बड़े सारे आपके अनुयायी भी आए हैं, फॉलोअर्स भी आए हैं, इतने सारे लोगों को लेके आ गए हैं आप। अब भक्तों का तो जीवन ही साथ में रहना है, हाँ वो तो छोड़ते ही नहीं है, भक्ति होती संग में, कहीं पर भी भक्त जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वहाँ भीड़ सी लग जाती है एकदम से, जैसे बाढ़ सी आ गई हो। प्रभुपाद एयरपोर्ट में भी आते थे तो एयरपोर्ट में भी बाढ़ आ गई है ना, और एयरपोर्ट में लोग प्रणाम कर रहे हैं, नीचे झुक गए हैं, तो कोई सोच रहा है कोई आतंकवादी आ गया, सब नीचे लेट जाते हैं ना, गोलीबारी होती है तो जमीन पे, प्रभुपाद आए सब जमीन पे, क्या लगता है कई लोगों को, नहीं क्या हो गया, कुछ ऊपर से गिर रहा है क्या। तो ऐसे भक्तों की बाढ़ हर जगह आ जाती है, तो मतलब आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप गौशाला में जाके रहिए, बहुत जगह मिलेगी आप। भीतर या छीला सुनी क्रोधे बाही रीला, अठ अठ हासी गोसाई कही तेला गीला। जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर का यह आदेश सुना तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बाहर आ गए, और उच्च स्वर में हंसते हुए वो इस प्रकार बोले, सत्य कहे यही घर मोर योग्य नया, मले छगो वध करे तार योग्य हया। रामचंद्र खान ने ठीक ही कहा है, यह स्थान मेरे लिए अनुपयुक्त है, यह गोवध करने वाले मांसाहारियों के लिए उपयुक्त है। एता बलि क्रोधे गोसाई उठीला चलीला, तारे दंड दीते से ग्रामीणा रहीला। यह कहकर नित्यानंद प्रभु उठे और क्रुद्ध होकर चले गए, रामचंद्र खान को दंड देने के लिए वे उस गांव में भी नहीं रुके। यहाँ रामचंद्र खान सेवक के आज्ञा दिला, गोसाई यहाँ वसीला तार माटी खोदाईला। रामचंद्र खान ने नौकर को आज्ञा दी कि जहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे उस स्थान की मिट्टी को खोद दे। गोमय जले ले पीला सब मंदिर प्रांगण, तभु रामचंद्र मन नाहिल प्रसन्न। दुर्गा मंडप मंदिर तथा आंगन को शुद्ध करने के लिए रामचंद्र खान ने गोबर मिले जल से छिड़का लिपवाया कि ये जगह क्या हुई, अशुद्ध हो गई, इतने सारे लोग घुस गए यहाँ पर। हाँ, लेकिन उसका ये सब करके भी मन प्रसन्न नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है, मन का प्रसन्न होना, सेटिस्फैक्शन होना, आत्मसंतुष्टि होना। आज के लोग भ्रमित हैं, सारा संसार भ्रमित है। ये बेसिक क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछो कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, तो लोग बहुत सारे जवाब देंगे। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा फार्म हाउस हो पहाड़ों के ऊपर, हाँ, लेकिन साथ में मुंबई या दिल्ली में घर भी हो, जब मैं काम से थकूँ तो मैं फिर वहाँ पर ब्रेक के लेके जाऊँ। एक हाथ अगर विला मेरे को किसी फॉरेन कंट्री डेस्टिनेशन में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे पर रिजॉर्ट्स की मेंबरशिप हो संसार ना, कुछ बहुत चीज़ें बोलेंगे। मैं खाने का मेरे पास अनलिमिटेड पासिस हो किसी भी होटल, मतलब बहुत सारे आंसर आएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन ये ना सेकेंडरी मैटर्स हैं, व्हाट वी वांट इज सेटिस्फेक्शन। अगर किसी को बोले अल्टीमेटली आप संतुष्टि चाहते हैं ना, प्रसन्नता, अरे हाँ हाँ प्रसन्नता ही तो चाहते हैं, और क्या, कितनी चाहते हैं, इतनी इतनी क्या, अनलिमिटेड चाहते हैं। कोई दुख चाहते हैं, नहीं नहीं दुख नहीं चाहते है ना। अगर आप समराइज करो सबकी बातों को तो इसमें समराइज कर सकते हैं, उसके तरीके अलग अलग होंगे, कोई क्या कार चाहिए, कोई क्या कर ये चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। ये जो सिंपल सी बात है, भौतिक बात कर रहे हैं हम, वी आर नॉट डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनकी प्रसन्नता कैसे मिलेगी उन्हें, ये समस्या हो गई बड़ी। जैसे हम कई बार कहते हैं लोगों को कि आप भक्ति में आओगे हमारे साथ, नहीं नहीं तुम शराब पीना छुड़वा दोगे, शराब पीना नहीं छोड़ूंगा, तो वो खुद ही कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इसमें एक मज़ा है जो कि वहाँ जाके नहीं मिलेगा, और तुम लोग मुझे लॉजिकली समझा दोगे और फिर मज़ा नहीं आएगा जीवन जीने का, तुम कुछ ऐसा करने के बोलोगे जो मैं। अब ये बड़ा बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि शास्त्र तो ये बताते हैं, गीता बताती है कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं जीता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग दिस। दूसरा, भगवान कहते हैं ये संसार दुखाले है, इसका मतलब हम भगवान को भी चैलेंज कर रहे हैं, तुम दुख बनाओ मैं सुख बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ये इम्पॉसिबल है। हमें अल्टीमेटली प्रसन्न रहना है, संतुष्ट रहना है, और ये प्रसन्नता ये संतोष भौतिक चीज़ों से अगर मिलता तो फिर सारा संसार आज प्रसन्न हो चुका होता, इतने सालों में इतनी डेवलपमेंट करने के बाद। एवरीबडी नोज दिस, हाँ मुझे प्रसन्नता ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है प्रसन्नता नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी।
तो ध्यान रखें हमेशा, जब भी हम कुछ भी कार्य करें कि अगर हमें प्रसन्नता ही चाहिए तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि प्रसन्नता मिलेगी कहाँ। जो हमने प्रसन्नता के अलग अलग मीडियम बना रखे हैं वो उनसे प्रसन्नता नहीं मिल रही है, किसी को नहीं मिली है, तो हमें कैसे मिल जाएगी? हमें भी नहीं मिली अब तक, इतना हमने ट्राई कर लिया है, अभी भी हमें लगता है बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक दो चीज़ें हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन वो कभी दिन आया आपके जीवन में कि जब आपने बोला अब पूरी तरह मैं संतुष्ट हूँ? वो दिन आया नहीं, किसी के जीवन में नहीं आया। आज अब अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो कल क्या आप ऐसा बोल पाएंगे? ये क्वेश्चन है। क्योंकि किसी दिन कोई बड़ी बड़ी खुशी मिल जाती है तो लगता है हाँ आज मैं ऊपर, जमाना नीचे, और कल वो जमाना हमारे ऊपर होता है, हम नीचे दबे होते हैं। तो यही आप लोगों ने अपने जीवन में देखा भी होगा, हम बहुत प्रयास करते हैं प्रसन्न रहने के लिए। पहली बात तो हमें यही नहीं पता है कि हमें प्रसन्न रहना है, कितनी अजीब सी बात है। जीवात्मा को यही नहीं मालूम है कि उसको प्रसन्न रहना है, ये उसका मेन उद्देश्य है अगर, तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि हाउ। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं प्रसन्न रहना, मतलब हम कहें क्या चाहिए, कोई नहीं कहेगा मुझे प्रसन्नता चाहिए, जबकि वही चाहिए, कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर हम भगवान के पास जाएं, भगवान भगवान मुझे प्रसन्नता चाहिए, तो भगवान बोलेंगे ले बेटा भक्ति योग कर, प्रसन्नता, प्रसन्न रहे, चैंट एंड बी हैप्पी। लेकिन हम बोलते ही नहीं, हमारे मुँह से निकलता ही नहीं, भगवान प्रसन्नता तो चाहिए लेकिन ये चाहिए पहले। हाँ, तो ऐसा हमारा जीवन में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा जीवन। हमारा मेन मोटिव प्रसन्नता ही, हम भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे। वैसे तो मेन मोटिव कृष्ण की सेवा है और उसी में प्रसन्नता मिलेगी। चलो जो भी है, हमको नहीं मालूम है कि हमारा प्रसन्नता किस में मिलेगी, तो हम भगवान से ये भी तो मांग सकते हैं, भगवान मैं हर हाल में प्रसन्न रहना सीख पाऊँ, ऐसा कुछ कीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, ना ही मुझे दीजिए, मेरी मांगों को पूरा मत कीजिए, लेकिन हाँ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी ऑलवेज। बस श्री भगवान, अच्छा यू वॉन्ट टू बी ओपी, देन यू हैव टू टेक द बेस्ट थिंग। तो रामचंद्र खान ने बहुत कुछ कर लिया है अब तक, आपने पहले भी देखा, लेकिन कहाँ संतोष नहीं मिल रहा है। और नित्यानंद प्रभु को उसने भेज दिया या लिपाई पुताई करा दी, लेकिन अब भी संतोष प्रसन्न नहीं है। दस्यु वृत्ति करे रामचंद्र राजा रना दे कर कुद हया मले छ उजिर आई लतार घर। रामचंद्र का पेशा आपत्तिजनक था क्योंकि वह सरकार को कर देने से जी चुराता था, इसलिए सरकारी वित्त मंत्री नाराज था और वह उसके घर पर आया। कहीं ना कहीं से तो रिएक्शन फलित होगा, कहाँ तक बचोगे बच्चू? ये बहुत सारे लोग हैं संसार में हमें दुख देने के लिए, कैसे हम कोशिश करते हैं ये दुश्मन भी समाप्त हो जाए, वो दुश्मन भी समाप्त हो जाए। अरे देर आर अनलिमिटेड पीपल जो कि आपकी ज़िंदगी में छेद करने आएंगे, बिकॉज ऑफ योर एक्शंस द रिएक्शन विल कम। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड जगह से रिएक्शन आएगा, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए नहीं बचा चल सकता। अब ये सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है, इसकी भी कुछ गड़बड़ थी सरकार के साथ। हाँ, अब समझ लीजिए टैक्स के छापा मार लोग घर पे आ गए। आशीष ही दुर्गा मंडपे वासा कैला अवध्य वध करी मांस से घरे रांधा इला। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप को अपना निवास स्थान बना लिया, नित्यानंद प्रभु को वहां से हटाया तो वहां पर एक राक्षस आके बैठ गया। लो, जब भगवान नहीं होगा तो कौन आएगा? असुर ही आएगा ना उस जगह में। भगवान को अपने जीवन से निकाल दोगे तो असुर, असुर की दोस्ती तो बड़ी खतरनाक है। आज कंधे पे हाथ रखा है, कल गर्दन चड़क कर देगा उसी कंधे पे, पता नहीं है, बड़ा खतरा है ऐसे लोगों को दोस्त बनाना। तो मुसलमान मंत्री जो है रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप में बैठ गया, उसने एक गाय मारी और वहीं पर मांस पकाया, कर ले साफ, लिपाई कर ले गोबर। जिस जगह में दुर्गा मंडप है वहां गाय को मारा गया, मांस को पकाया गया। आप कहोगे इसमें रामचंद्र खान की क्या गलती थी बेचारे की, उसने क्या किया ऐसा? हाँ, वो तो देवी देवताओं की तो पूजा कर रहा था, लेकिन उसने वैष्णव अपराध किया था, ये भूल गए हम लोग। हाँ, स्वयं भगवान से ईर्ष्या करी उसने, हाँ नित्यानंद प्रभु से भी, तो यही तो होगा उसके बाद जीवन में। स्त्री पुत्र सहित रामचंद्र रा बांधिया तार घर ग्राम लूटे तीन दिन रहिया। उसने रामचंद्र खान को उसकी पत्नी तथा बच्चों समेत बंदी बना लिया और फिर लगातार 3 दिन तक उसके घर और गांव को लूटते रहे। देखिए उसका मंडप मंडप सब बर्बाद, सब खत्म, सब घर बार, हर चीज़, ना कि उसका बल्कि गांव का। ये खतरा होता है दुष्टों के बीच में रहने का। हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे निकट संबंधी हैं जिनसे हमारी अटैचमेंट है,
बट वो दुष्ट हैं, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो जीवन को भोगना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को जब रिएक्शन मिलेगा तो हमें बड़ा दुख होगा, इसलिए उससे पहले ही वो आसक्तियों को काटना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन अवश्यम भावी है। दिस इज द लाइफ इज लाइक दैट। ये बड़ा क्रूर है एक तरह से। यहाँ पे नोबडी वेट्स, ऐसा नहीं है कि वेट नहीं करता कोई, या आपको समय नहीं दिया गया। आपको बहुत सारे मौके दिए गए, बहुत सारे संत आपके जीवन में आए, लेकिन आपने उनको ठुकराया ठुकराया ठुकराया। अब नित्यानंद प्रभु उनके घर में ही आए थे, अगर ये उनके चरण में गिर जाता तो सारे पाप से मुक्त हो जाता। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे चांस हमें मिले, ऐसा नहीं चांस नहीं मिले, लेकिन हमने वो लिए नहीं। इसलिए जब क्रूर समय आता है रिएक्शन देने के लिए, तो वेट नहीं करता है। फिर हमें लगता है बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो गया। हमें सब बेचारे लगने लगते हैं उसके बाद। हम भूल जाते हैं कि इन लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण आज इन्हें इतना कष्ट भोगने को मिल रहा है। भगवान ने इनको भी मौका दिया होगा, संतों ने इनको भी मौका दिया होगा, लेकिन उन्होंने उस मौके को ठुकरा दिया, जैसे रामचंद्र खान ने। तो क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाला भी पिसता है जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो सारे के सारे गांव को लूट लिया गया। कायदे से यदि कोई वैष्णव निंदक है तो हमें अपने जीवन से उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गांव वालों को निकाल के फेंक देना चाहिए था। दुष्ट व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है, हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति के साथ निकल जाए इस गांव से, तो गांव शायद बच जाता। हमारे जीवन में भी ऐसी है, निंदा कर रहा है तो हम खिसिया के हंसते, प्रभु जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चुपचाप बैठा था, वही कर रहा था। अरे तो जब रिएक्शन देख लिया ना वहाँ सब लोगों ने, ऊपर कैमरे में फोटो खिंच गई, निंदक के साथ में ये चार लोग पाए गए, मारो ऊपर से, अब वो मारेंगे बाण, अदृश्य बाण मारेंगे, रिएक्शन वाले बाण, उन सबके जीवन में एक समस्या आएंगी पक्का। चोर के साथ हमारे वो जो कैमरे लगे होते हैं, कोई चोर आ रहा था, क्या कैमरे में जो भी फोटो आ गई समझ लो गया, वो भी फंस जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाना बड़ा खतरनाक है। और मैं देखता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाते हो जो वैष्णव निंदक है। ध्यान रखिए, मैंने तो नहीं देखा हाँ, लेकिन यमराज ने फोटोएं खींच ली, वायुदेव ने फोटो खींच ली, सूर्यदेव ने फोटो खींच ली। अब कोर्ट में, यहाँ कोई कोर्ट में कोई गवाही और कोई मुकदमा नहीं चलता है, यहाँ सीधा फैसला ही सुनाया जाता है। तो जैसे रामचंद्र का गाँव लुट गया, कहीं हमारा भी गाँव ना लुट जाए। ध्यान रखिए, यदि आपके घर के आसपास आपके जीवन में कोई ऐसा आतंकवादी है जो वैष्णव निंदक है, उसको अपने जीवन से आज ही निकाल दीजिए, नहीं तो गांव लुटने की तैयारी कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।